आज हम 15 चैप्टर का 5th पार्ट करेंगे, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भाषा। बेटा कॉन्स्टिट्यूट मेकर्स के सामने एक और प्रॉब्लम थी कि देश की भाषा कौन सी होनी चाहिए। इस पर भी बहुत डिस्कशंस हुए। बाय द 1930s 30 के दशक में कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी ऑट टू बी द नेशनल लैंग्वेज, कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बारे में महात्मा गांधी के विचार थे कि हर एक को एक ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके, और हिंदू और उर्दू को मिक्स करके हिंदुस्तानी जो बनी है वो भारतीय जनता के बहुत बड़े पार्ट की लैंग्वेज थी, जिसमें डिफरेंट कल्चर्स के आदान प्रदान से एक प्रॉस्पेरस लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई थी। इस तरह जैसे जैसे टाइम बीता, बहुत तरह के सोर्स से नए नए शब्द अर्थ इसमें मिक्स होते चले गए। इसमें डिफरेंट एरियाज़ के लोग इसे समझने लगे थे, और महात्मा गांधी को लगता था कि ये लैंग्वेज डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच कम्युनिकेशन का एक आइडियल बेस हो सकती है, कम्युनिकेशन की एक आइडियल लैंग्वेज ये हो सकती है, एंड इट कुड यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ, और ये हिंदू मुसलमानों और उत्तर और दक्षिण वाले लोगों को मिला सकती है। बेटा ये एक आपका टेक्स्चुअल क्वेश्चन भी है, इसी पैराग्राफ में से क्लियर होता है कि महात्मा गांधी के हिंदुस्तानी पर क्या विचार थे। लेकिन इसमें कुछ टकराव रहे 19th सेंचुरी के लास्ट तक, से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी अब चेंज हो रही थी। जैसे जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से ग्रोइंग अपार्ट हो रही थी, एक दूसरे से दूर होती चली जा रही थी। ऑन द वन हैंड देयर वाज ए मूव टू सांस्कृतिक हिंदी, कि अब एक तरफ तो हिंदी को संस्कृत मिश्र बनाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ फारसी और अरबी मूल के शब्द उससे हटाए जा रहे थे। इसी तरह उर्दू लगातार फारसी के पास जाती जा रही थी। उर्दू वाज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्शनलाइज्ड। इस तरह से ये भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन महात्मा गांधी का इससे अभी भी विचार ख़त्म नहीं हुआ था, इससे विश्वास उनका उठा नहीं था। तो ये महात्मा गांधी जी के हिंदुस्तानी के बारे में विचार। अब बेटा इसी में एक सोर्स कि राष्ट्रीय भाषा के फीचर्स क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसमें महात्मा गांधी ने अपने विचार दिए थे कि ये जो हिंदुस्तानी है इसमें ना तो ज़्यादा संस्कृत वाली हिंदी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा फारसी वाली उर्दू, दोनों एक हैप्पी कम्बिनेशन में होनी चाहिए, और इसमें डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस से शब्द इंक्लूड किए जाने चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड भी इसमें यूज़ हो सकते थे जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज में अच्छी तरह से मिक्स हो सकते थे ऐसे वर्ड, और इस तरह से उनके अनुसार जो नेशनल लैंग्वेज है एक प्रॉस्पेरस और स्ट्रेंथ लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमन आइडियाज़ और इमोशंस, जिसमें मानवीय विचार और भावनाएं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये था महात्मा गांधी का उसके बारे में विचार। तो खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना या समझदारी के विरुद्ध एक अपराध मानते थे। उनका मानना था कि सभी लैंग्वेजेस को, सभी समझने वालों की बातों को इसमें मिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार अब हम आगे टॉपिक्स में देखते हैं कि इसको कौन मानना चाहता था।